हेलो एवरीवन आज की क्लास में पढ़ने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिसके फर्स्ट पार्ट पर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इन आवर डे टू डे लाइफ हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए उनको देखते हैं जैसे आयरन एलूमिनियम कॉपर गोल्ड सिल्वर एंड मोर इनमें से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनसे हम फैमिली जैसे ऑक्सीजन हम रोज ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं इसके अलावा कार्बन सल्फर ये जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी मटेरियल हैं ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस से हमको मिलते हैं जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के बने होते हैं या फिर उनके कंपाउंड्स के बने होते हैं और इन सब्सटेंस को कहा जाता है मिनरल्स और इन मिनरल्स से जब एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फॉर द प्रॉफिट तो इनको कहा जाता है ऑर्स जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ओट्स और मिनरल्स के पहले हमको रॉ फॉर्म में कुछ इस तरीके से मिलते हैं फिर इनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिर उनको आ, किसी भी शेप में या फिर किसी मेटल में कन्वर्ट या उनको शेप दिया जाता है जैसे यहाँ पे दे रखा है ये चेन का शेप है इसमें आयरन में या जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस मेटल में उनको कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स जो हैं वो हमारे पास नाइन्टी टू होते हैं जो अच्छी तरह से वेल well नोन हो उनमें से सेवेंटी जो है वो है मेटल्स और बाकी जो बच्चे वह रेस्ट जो है वो है नॉन मेटल्स कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको कहा जाता है मेटेइट्स जैसे एग्जाम्पल है बोरोन सिलिकॉन, जर्मेनियम आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा वो एलिमेंट जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये अपने प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं वैसे ही कुछ नॉन मेटल मेटल्स भी हैं जैसे हीलियम नियॉन आर्गन एक्सेट्रा और बहुत सारे ऐसे मेटल्स भी हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं जैसे ऑक्साइड्स सल्फाइड्स कार्बोनेट्स सिलिकेट्स ये मेटल्स जो है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं किसी ना किसी के साथ कंबाइंड होते हैं और ये ऑक्साइड्स बनाते हैं सल्फाइड्स बनाते हैं कार्बोनेट्स बनाते हैं वैसे ही नॉन मेटल्स भी हैं जो किसी और मेटेरियल के साथ कंबाइन होते हैं जैसे सल्फ़र है फोस्फोरस है ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी पे आते हैं अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा एक लौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कॉइन है example, नेल है की है ये सब क्या है मेटल्स हैं जो आपने देखे होंगे जो सॉलिड्स होते हैं लेकिन मर्क्यूरी एक 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 लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर मेटल्स आर हार्ड एंड टफ हार्ड होते हैं ईजिली ब्रेक नहीं होते लेकिन सोडियम और पोटाशियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते और इनको हम नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं मेटल्स जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल शाइन करते हैं शाइन करने की प्रॉपर्टी को कहा जाता है लश्चरस ऐसा क्यों होता है बिकॉज मेटल्स पॉजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि जब इन पे लाइट के कॉन्टेक्ट में आते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन लाइट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब ये वाइब्रेट होते हैं जैसे कि की दे सकते हैं ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो शाइन करते हैं क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी होती है लश्चरस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजीली कंडक्ट कर सकते हैं जैसे एग्ज़ाम्पल है बेस्ट कंडक्टर होते हैं सिल्वर एंड कॉपर वहीं पुअर कंडक्टर होते हैं लेड एंड जैसे आपने देखा होगा आप मोबाइल चार्ज करते होंगे तो मोबाइल हाई डेंसिटी मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है एक्सेप्ट एल्कलई मेटल्स जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम इनकी डेंसिटी क्या होती है लो इनकी डेंसिटी हाई नहीं होती मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं मेलिएबल प्रॉपर्टी शो करता है जिसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी मेटल को बीट किया जा जाए बीट किया जाए तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबल जैसे हम फूड फॉल यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल फॉर पैकिंग द फूड वो इसी तरीके से मेटल को बीट करके मैन्युफैक्चर की जाती है जैसे एग्जांपल पे देख सकते हैं फूड फॉइल एल्यूमिनियम जो यूज की है फूड को रैप करने के लिए जो यूज किया जाता है मेटल्स आर डक्टाइल मतलब है कि जैसे पहले हमने देखा मेलेबल प्रॉपर्टी जो कि शीट में कन्वर्ट हो जाता है मेटल वैसे ही डक्टाइल प्रॉपर्टी ये होता है कि मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है ये मेटल जब वायर में कन्वर्ट होता है बिना ब्रेक हुए तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल प्रॉपर्टी मेटल डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है जैसे कि हमने देखे होंगे हमारे घर में एल्यूमिनियम वायर होता है कॉपर वायर होता है तो ये सब मेटल है कॉपर और एल्यूमिनियम ये डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं पिक्चर में वायर ये वायर देख सकते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के मेटल्स आर सोनोरस अब सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है कि मेटल अगर किसी हार्ड सब्सटेंस से मारा जाए या स्ट्रक किया जाए तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है और ये साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को ही सोनोरस या सोनोरिटी कहा जाता है जैसे कि ये बेल जो होता है जिस बेल्व को आप स्ट्रक करेंगे किसी हार्ड मटेरियल से तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा तो अब नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उनके उन्हीं को लेके चलते हैं और और नॉन मेटल के साथ कंपेयर करते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल और ब्रिटल होते हैं मतलब वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं इजीली ब्रेक हो सकते हैं एक्सेप्ट डायमंड डायमंड जो है हार्डेस्ट नॉन मेटल है वो इजीली ब्रेक नहीं होता मेटल के पास जो लस्चरस प्रॉपर्टी होती है वो होती है डल लेकिन आयोडीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा लश्चरस होता है नॉन मेटल्स में तो लश्चरस प्रॉपर्टी नॉन मेटल की डल होती है वीक होती है ले एक्सेप्ट आयोडीन आयोडीन की लश्चरस प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है एक्सेप्ट डायमंड डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते मेलिएबल प्रॉपर्टी शो नहीं करते डक्टाइल प्रॉपर्टी शो नहीं करते ना ही सोनरस प्रॉपर्टी शो करते हैं एग्जाम्पल है कार्बन सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा आज की क्लास में इतना ही थैंक यू